देखो नारा लगाया ना जी कोई, यम जिंदाबाद खाना बहुत अच्छा, ये तो बताए ना। और सुनिना फैमिली हमसे तो आपने रिव्यू ले लिया, अब आप बताएं आपको कैसा लगा खाना। भाई आप ट्रूथफुली बताऊँ ना तो खाना बहुत ही अच्छा है। मैं वैसे हमेशा कहता हूँ कि यम का खाना बहुत ही ज़बरदस्त है, और आज जो इनका एम्बियंस है ना वो बहुत ही प्यारा है। और स्पेशली आज बिल्कुल फर्स्ट डे था, लोगों ने अपने रिलेटिव्स के घर जाके ईद मनाई है, और हमने तमाम रिलेटिव्स को, बहनों को, भाइयों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। माशाल्लाह जी, ये है वो तीन खवातीन जिन्होंने तीनों घरों को बड़ा अच्छा सजाया हुआ है जी, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती हैं, और ये भी शामिल हैं जी। हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, आप हमें सारा साल खिलाती हैं अच्छे अच्छे खाने। हमेशा की तरह बहुत अच्छा। मम्मा को ईदी कब दे रहे हैं ये पूछने लगा। देखिए जी, मैं इनको मिल गया हूँ तो समझे इनको हमेशा की गली है, सारे ईदी मिल गई जी। इनका खाने का हमेशा की तरह जो इनके प्रॉन्स है ना वो सबसे बेस्ट, इसमें इनके पीछे और डिजर्ट में इनके जो है मिल्क केक वो सबसे बेस्ट। पाकिस्तान हमारी तरफ से सबको ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो बहुत बहुत। अल्लाह आप सब लोगों को खुशम खुरम रखे जी, और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे हमारी दुआ है जी। और हम जा रहे हैं जी को ईद मिलन, जो हमारा खाना है गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर है, चलते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं जी। एक मतलब फिर आपको हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हमने डिसाइड किया था रादर कि हम घर में किसी के पार्टी रखते हैं, तो हमने कहा चले हम एक यम्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, और कल भी ज़बरदस्त एक दिन गुजरने वाला है इंशाल्लाह, इन छुट्टियाँ दोबारा होने वाली है। तीन दफ़ा चुके हैं और कुछ गेस्ट अभी आने हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए कहानी कुछ तो कहें आप, व्यूअर्स आपको बहुत लाइक करते हैं जी। ईद मुबारक जी हुसैन साहब की तरफ से। अब्दुल्ला साहब कुछ कहें ना प्लीज, ईद मुबारक कहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। आप सब ईद मुबारक जी सबको, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बुफेट सजा दिया गया जी, बड़ा ज़बरदस्त है, इसे अगर आप देखेंगे तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है जी। यहाँ पे जी सॉसेज हैं और पिकल वगैरह हैं, साथ ही इनका सैलड बार है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सैलड बार है इनका, अगर आप देखेंगे। यहाँ के सबसे ज़बरदस्त डिलीशियस प्रॉन्स है जी, ईद मुबारक हो जी आपको, खैर मुबारक जी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म के दी बेस्ट इनके जी प्रॉन्स होते हैं, ये टेम्पूरा प्रॉन्स हैं जी, बहुत ही ज़बरदस्त है जी। अगर आप प्रॉन्स लवर हैं तो यहाँ पर यम्स पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और जी इनकी ये जो ड्रम स्टिक्स हैं, शायद मुल्तान की ज़बरदस्त दी बेस्ट ड्रम स्टिक्स हैं, इससे अच्छी ड्रम स्टिक्स मैंने कभी नहीं खाई जी इनकी। और साथ ये विंग्स पड़ी हुई हैं इनकी, हनी विंग्स हैं ये इनका, देख लें जी ये चौमिन है, एग फ्राइड राइस है जी, चिकन मंचूरियन जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, ये प्रॉपर मंचूरियन है, ये फिश चिली वेजिटेबल्स हैं जी,
दिस इज़ मंगोलियन चिकन जी, बड़ा ही टेस्टी है। इनकी बड़ी अच्छी सिलेक्टिव डिशेज़ हैं, यानी आपकी हर डिश जो है यम्स की यहाँ पे टेस्ट करने वाली है। दिस इज़ जी बीफ चिली ड्राई ग्रिल्ड टेरागॉन चिकन है जी, ये देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप हाइट इंजॉय करना चाह रहे हैं, दो टाइम्स हैं, लेकिन दी बेस्ट जो टाइम है ना वो इफ़ आई डोंट, हाँ 3:30 वाला जो है ना वो ज़बरदस्त ये टाइम है। ये जी स्वीट बार आ गया हमारे पास, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिलीशियस यहाँ पे डिज़र्ट्स रखे हुए हैं। लेकिन जी जिसको भी देखेंगे दिल करता है उसी को खाना शुरू कर दें। सर हमारे व्यूअर्स के लिए आज ईद मुबारक कह दें बस। थैंक यू। बुफे स्टार्ट हो चुका है जी, इट्स टाइम टू ईट। और बड़ा ज़बरदस्त मैंने बताया, एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो डिशेज़ हैं, खासतौर पर डिज़र्ट्स हैं, इनके जो मेन कोर्सेज हैं और सॉसेज हैं, यहाँ पे अगर आप प्रॉन लवर्स हैं तो यहाँ पर शिफ्ट लाएँ, अगर आप चाइनीज़ फूड लवर हैं तो यहाँ पर शिफ्ट लाएँ, अगर आप स्वीट लवर्स हैं, डिज़र्ट्स लवर हैं तो भी यहाँ पर शिफ्ट लाएँ। इनकी ज़बरदस्त है, और खासतौर पर जो प्रॉन्स हैं और साथ ड्रम स्टिक्स हैं, इनकी मिनी ड्रम स्टिक्स बहुत ही आला है, बहुत ज़बरदस्त। स्वीट कैसी है? हमेशा की तरह बहुत कम आ, बहुत ही अच्छा है। अब आपने बिल्कुल एंड हो गया आपका, नहीं और ट्रूथफुली रिव्यू देने आपने देखो नारा लगाया ना जी कोई यम जिंदाबाद खाना बहुत अच्छा, ये तो बताया ना। और सुहिना फैमिली आप बताएं जी, जल्दी जल्दी बताएं कैसा लगा है खाना। बताएं जी खाना बताएं। हमसे तो आपने रिव्यू ले लिया, आप बताएं आपको कैसा लगा खाना। भाई आप ट्रूथफुली बताऊँ ना तो खाना बहुत ही अच्छा है। मैं वैसे हमेशा कहता हूँ कि यम्स का खाना बहुत ही ज़बरदस्त है, और आज जो इनका एम्बियंस है ना वो बहुत ही प्यारा है। और स्पेशली आज बिल्कुल फर्स्ट डे था, लोगों ने अपने रिलेटिव्स के घर जाके ईद मनाई है, और हमने तमाम रिलेटिव्स को, बहनों को, भाइयों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। और आज जो इनकी ब्यूटी है ना जी, वो बिल्कुल लिमिटेड पर्सन से यहाँ पे आपका जो फूड टेकिंग है और उसके इंजॉयमेंट है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। इतना रश ही नहीं था, वैसे हम कभी कभी कह देते हैं जैसे सैटरडे जो वीकेंड्स है संडे रश होता है, लेकिन आज ईद का भी दिन है, हमने इंजॉय भी किया है और भरपूर इंजॉय किया। और फूड क्वालिटी तो माशाल्लाह की बाकी बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह जी। ये हैं वो तीन खवातीन जिन्होंने तीनों घरों को बड़ा अच्छा सजाया हुआ है जी, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती हैं, और ये भी शामिल हैं जी। हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, आप हमें सारा साल खिलाती हैं अच्छे अच्छे खाने, और हमें एक दिन आज ऐसा मिला है कि हम एज अ टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ थैंक्स, हम आपको एक एट्रीब्यूट पेश करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र दराज करें, आपके घरों में खुशियाँ और दे, और आपको आबाद रखे जी। सुना कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, हमेशा की तरह बहुत अच्छा। भी बताएं हुसैन साहब, आप बताएं ना, बहुत अच्छा। फिर अब्दुल रहमान सुलेमान आप बताओ ना, मजा आया आपको? नहीं।
मम्मा को ईदी कब दे रहे हैं ये पूछने लगा। देखिए जी मैं इनको मिल गया हूँ तो समझे इनको हमेश की गली है, सारे ईदी मिल गई है। प्यार से बढ़कर भी कुछ है नहीं अभी, प्यार आप सब कुछ ही नहीं गई है। जबरदस्ती भी खाना खा चुके हैं, यम से बाहर आ चुके हैं, मिल चुके हैं और हमको भरा एक गैदरिंग कर चुके हैं और वापसी की तैयारी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी ईद बहुत अच्छी गुजर चुकी है हमारी, तो यही ईद है। माँ वो कहते हैं ना तेरी रात हुई मेरी ईद हुई, तो बहन भाइयों को देख के जी ईद भी यही है हमारी, ईद पे ईद होती है। इसलिए कहते हैं ना अकेले बंदे की कोई ईद नहीं है, तो बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद होती है। तो हम चुके मिल चुके हैं सबसे और हमारी ईद भी हो चुकी है, हमारी खुशी भी बहुत ही जीतनी है। तो इसके साथ ही थी हमें भी कुछ ने कुछ कहना है तो जी शेयर कर लो। सबको ईद मुबारक और हमारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक हो जी। अपने इस चैनल के बसौसत से हम अपने यम के भी बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज के दिन अपने हॉस्टल को ओपन रखा और हमें मौका दिया कि हम यहाँ आके अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।